इसका स्पेस ठीक है, ग्रीनरी अच्छा है, बाकी फैकल्टी कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है वो बता नहीं सकते। बट एक चीज़ सुना है कि किसी भी कोर्स का जो ये लोग कहते हैं कि 2 साल में हो जाएगा, तो मे भी 2 साल के बाद उनका फाइनल डिग्री मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपको अगर 3 साल बोला, 3 साल का ये कोर्स है, तो 3 साल पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मे भी ऐसा डिले हो जाता है। अब 1 साल का डिले होता है, 6 मंथ का डिले होता है, 2 साल का होता है, ये एक्यूरेटली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन डिले होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पूरा मिल जाएगा। ये रहा आपका RDS कॉलेज, ये राम दयालु सिंह महाविद्यालय, NAAC ग्रेड बी, ये NAAC से एक्रेडिटेशन का ग्रेड बी है। चलो फिर से चलते हैं अंदर। हेलो गाइस, मैं हूँ सुमित कुमार और आज RDS कॉलेज में हूँ मैं। ये मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो आज किसी काम के सिलसिले में मैं आया हुआ था यहाँ पे। तो ये आप ये कैंपस देख सकते हो, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, और ये पीछे से इतनी बड़ी प्लेग्राउंड है। RDS कॉलेज, राम दयालु सिंह कॉलेज, ये मुजफ्फरपुर बिहार में है और ये इसका प्लेग्राउंड है। काफ़ी बड़ी है प्लेग्राउंड यहाँ की, और ये एक बिल्डिंग है, पता नहीं इसमें होता क्या है, ये तो बंद पड़ा हुआ है। ये RDS कॉलेज का ही कैंपस है, वो बड़ा सा, और ये पूरा उसी का कैंपस है। ये इस बिल्डिंग को श्री कृष्ण हॉल कहते हैं। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो यहाँ पे बच्चे कुछ खेल रहे हैं। ये श्री कृष्ण सभा भवन, यही श्री कृष्ण हॉल है, जिसका पीछे वाला बिल्डिंग आप थोड़ा इधर पहले देख रहे थे, ये फ्रंट बिल्डिंग है। और ठीक इसके बगल में एक तालाब है बड़ा सा, जहाँ पे स्थिति तो पूरी अच्छी नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था कि एक मटका लेके कोई अपना डेड बॉडी का कुछ आस तो उसको रखने आया था, ऐसा कुछ। तो ये बड़ा सा तालाब है, ये RDS कॉलेज के अंदर ही है। और आप सीधे देख रहे हो वहाँ पे, वो प्रशासनिक भवन है, ऑफिशियल कुछ वर्क्स जो भी होते हैं वहाँ पे होते हैं, ये सारा ऑफिस वहीं पे है। और ये वाला जो बिल्डिंग है, इसमें होमगार्ड के जवान वहाँ पे खड़े हैं, तो वहाँ पे वो लोग रहते हैं शायद, यस। और यहाँ पे जो लोग हैं तो वो यहाँ के स्टाफ हैं। और ये सारा बिल्डिंग RDS कॉलेज का ही है। ये प्रिंसिपल ऑफिस है, अच्छा ऑफिस है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है इसमें। और आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं, ये भी कैंपस के अंदर का ही है, काफ़ी बड़ा है ये RDS कॉलेज। और यहाँ पे ग्रेजुएशन BSc ऑनर्स होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी, ये अलग से पता चला आज। ये कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही था, तो अच्छा है, और ये काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने। शायद ये क्वार्टर है, यहाँ के स्टाफ लोग रहते होंगे मे बी। और काफ़ी शांति है यहाँ पे। हाँ, उधर पार्किंग की व्यवस्था है, बीच में पता नहीं क्या है ये। यहाँ पे अंदर जान तो नहीं सकते क्योंकि ताला मारा हुआ है, शायद बीच में कुआं होगा, यस। और इधर का देखिए, सोलर लाइट, शांति है क्योंकि अभी पीछे में आप उधर देखो, वहाँ पे क्वार्टर है। चलो चल के देखते हैं कि अंदर में है क्या वहाँ पे। काफ़ी शांति है यहाँ पे, यहाँ के स्टाफ मेंबर लोग रहते होंगे। और ग्रीनरी सब RDS कॉलेज के कैंपस में ही आता है। पीछे में क्वार्टर है, मे बी वो रेलवे का क्वार्टर इस तरह का होता है, रेलवे के क्वार्टर होंगे, यस मे बी, तो वो सब चीज़ है। और देखिए काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, नेचुरल जगह है। RDS कॉलेज के पीछे वाला हिस्से में हूँ मैं फ्रंट में नहीं हूँ, पीछे हूँ। चले देखते हैं आगे। ये RDS कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में हूँ मैं। ऑफिसेज काफ़ी सारे बंद हो गए लगभग लगभग, इसमें भी ताला लगा हुआ है, इसमें भी ताला लगा हुआ है, सब कुछ बंद हो चुका है क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका है, छुट्टी हो चुका है आज। बिल्डिंग यहाँ पे बड़ा मेंटेन्ड है। ये बिहार का कॉलेज है, विश्वास नहीं हो रहा, बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, मेंटेन्ड है। बट मे बी यहाँ की फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है ये देखने लायक है, देखने, ये तो मैं नहीं जानता। ये मतगणना कक्ष, अच्छा यहाँ पे इलेक्शन वगैरह कुछ होता है तो यहाँ पे हो जाता है। और ये पूरा पूरा टॉयलेट है यहाँ पे, ये पूरा टॉयलेट है। टॉयलेट की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं जाके दिखाऊंगा नहीं।
ये जो रास्ता है ये सीधे जाते जाते सीधे फ्रंट बिल्डिंग पे आएगा, फ्रंट बिल्डिंग मतलब एग्ज़िट की तरफ आएगा। विज्ञान साइंस का ब्लॉक इधर है, ये विज्ञान साइंस, यस, लाइब्रेरी, जिमनासियम, कस्ट क्लासरूम, ये सब कुछ इधर ही है। यहाँ पे चेयर लगा हुआ है जिसमें कि आप बैठ सकते हैं, और ये बड़ा सा पेड़ रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो ऑक्सीजन से पॉल्यूशन थोड़ा कम होगी, और ये कला एवं वाणिज्य भवन है, कला मीन्स आर्ट्स, ठीक है। ये बड़ा सा बिल्डिंग है, आर्ट्स एंड कॉमर्स ब्लॉक है ये, ठीक है, आप देख रहे हो आर्ट्स एंड कॉमर्स ब्लॉक, वो वाला साइंस ब्लॉक था, ये अभी खुला हुआ है, मे भी यहाँ पे स्टाफ कुछ है। ये बड़ा सा बिल्डिंग है आर्ट्स एंड कॉमर्स का, और सीधे जाके भी कुछ क्वार्टर होंगे, मे भी उधर क्लास चलती नहीं है। यस यस, और ये गर्ल्स कॉमन रूम है, मैं इसको फ्रंट से दिखाऊंगा। ये सूखा हुआ पेड़, ओके, यहाँ पे बैठ सकते हैं, अभी थोड़ा सा धूप है तो यहाँ पे तो बैठ नहीं सकते, वो पार्क में बैठ सकते हैं। और ये गर्ल्स कॉमन रूम है, गर्ल्स कॉमन रूम RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर। चलें इसके पीछे चल के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ग्राउंड है, क्रिकेट अकेडमी का कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। बिहार में क्रिकेट का जो सिचुएशन है उतना बेहतर नहीं है जो महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है, पर मे भी लोग, यहाँ की गवर्नमेंट अगर इनिशिएट करे तो कुछ हो सकता है। यहाँ पे भी पूरा ग्रीनरी है, अच्छा अच्छा पेड़, वाओ, इट्स वेरी गुड। किसी भी सीमेंटेड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के में अगर कोई ग्रीनरी हो तो चार चांद लग जाता है। ये पूरा बड़ा सा, एक तो वहाँ पे आप प्ले ग्राउंड देख रहे थे उधर, और एक ये भी है, तो यहाँ पे खेलने का जो स्पेस है कम नहीं है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। और ये आपका मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से आप सीधे जाओगे। अच्छा, ये प्ले ग्राउंड, इसी के बारे में मैं कह रहा था, इसके बाद आपका श्री कृष्ण हॉल है जो मैं वहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है। और ये सीधे आप जाओगे ना यहाँ से सीधे, तो एग्ज़िट आ जाएगा, तो वहाँ पे चलेंगे फ़िलहाल। ये ट्रांसफार्मर है, स्पेशली ये ट्रांसफार्मर RDS कॉलेज के कैंपस के लिए है। अच्छा, वहाँ पे आप सीधे देख रहे हैं जो ब्लू कलर की एक बोर्ड लगी हुई है, वो भूगोल विभाग है, भूगोल विभाग, ये प्ले ग्राउंड के पीछे। अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा सीनारियो है, देखिए सीन कितना अच्छा है ये, आप चारों तरफ रोड के साइड में अगर ट्री लगा हो तो उसको मफलर कहते हैं, मफलर। और ये बबलू 11 क्रिकेट अकेडमी है यहाँ पे, उसका कुछ ऑफिस है, वहाँ पे आपको क्रिकेट का जो भी बैट बॉल विकेट वगैरह चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हो और खेल सकते हो। भूगोल विभाग है यहाँ इस तरफ लेफ्ट की तरफ यहाँ से, और छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस भी है, कैंटीन भी है इस तरफ, तो चले चलते हैं वहाँ पे कि है क्या उधर। बबलू 11 क्रिकेट अकेडमी RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सुनील कुमार का नंबर दिया गया है। और इधर चलते हैं, यहाँ पे भी अच्छा ट्री है। तो ये एक बिल्डिंग है जो RDS कॉलेज के कैंपस में ही है, पर किस चीज़ की बिल्डिंग है, इसमें होता क्या है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन काफ़ी मेंटेन बिल्डिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंपस के बाहर का स्पेस है, जिसमें कि काफ़ी ट्रांसफार्मर और कनेक्शंस लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो अगर ये, हाँ मैं जूम करता हूँ, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये डिस्कॉम है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम है यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये RDS कॉलेज के स्पेस के ठीक सटे सटे है, तो ये भी सही है। और इधर देखिए एक ओल्ड पर्सन बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, यस, आराम कर रहे हैं, तो उनके पास नहीं जाएंगे, डिस्टर्बेंस उनको हो जाएगी। इधर भी कोई स्पेस है, चले देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्पेस है। यस, अच्छा यहाँ पे स्पेस एंड हो जाता है, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यस, RDS कॉलेज का कैंपस इधर तरफ ख़त्म हो जाता है, और इस तरफ चलते हैं। इधर सीधे जाके आप लेफ्ट जाओगे, लेफ्ट के तरफ जाओगे, जाते जाते एग्जिट आ जाएगा RDS कॉलेज का। तो कुल मिला के
कह सकते हैं कि इस कॉलेज का स्पेस ठीक है, ग्रीनरी अच्छा है, बाकी फैकल्टी कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है वो बता नहीं सकते। बट एक चीज़ सुना है कि किसी भी कोर्स का जो ये लोग कहते हैं कि 2 साल में हो जाएगा, तो मे बी 2 साल के बाद उनका फाइनल डिग्री मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपको अगर 3 साल बोला, 3 साल का ये कोर्स है, तो 3 साल पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मे भी ऐसा डिले हो जाता है। अब 1 साल का डिले होता है, 6 मंथ का डिले होता है, 2 साल का होता है, ये एक्यूरेटली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन डिले होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। चलिए बाहर निकल के देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम, ये RDS कॉलेज के अंदर ही है, और रिक्की फेमस आइस गोला भी यहाँ पे है। तो ये RDS कॉलेज के अंदर ही आपको कुछ खाना वाना है छोटा मोटा, तो कुछ खा सकते हैं आप। और काफ़ी बड़ा कैंपस है। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार में लाइव स्टॉक जो है 10% ग्रोथ है इसका, लाइव स्टॉक का। तो इसका आई थिंक इसका एक रीज़न तो ये भी है कि यहाँ की यहाँ पे कॉलेज में भी बकरी चढ़ा सकते हैं आप, तो ग्रीजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देख लीजिए ये कॉलेज के अंदर का है सिनारियो। ओके, तो कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक शायद बाथरूम है कि कॉलेज से बाहर निकल सकते हैं। ये आपका एक गेट है, पहला गेट, उसका दूसरा गेट वो है, और यहाँ पे एक बैंक भी है। हर कॉलेज में एक बैंक तो होता ही है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और यहाँ बाहर निकल रहे हैं, और ये बाहर RDS कॉलेज के बाहर का नज़ारा है, बाहर का नज़ारा है।